हेलो एंड वेलकम टू भंडारी कार स्टाइल। आज हमारे पास है ब्रांड न्यू XUV 700 A7 लग्जरी मॉडल, जिसमें हम लोगों ने इतना प्रीमियम ऑडियो अपग्रेड किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, जो हम लोग ऑडियो इंस्टॉल करने जा रहे हैं, दैट्स ऑफ द बेस्ट टू ब्रांड्स इन द वर्ल्ड, फोकल एंड ऑडिसन। ये गाड़ी की खासियत ऐसी है कि इसमें हम जो इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, उसका जो पिलर हमने डिज़ाइन किया है, उसका जो ऑडियो इफेक्ट हम लोगों ने अचीव किया है, दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल इफेक्ट। हम लोगों ने इसमें RTA ट्यूनिंग से लेके हर चीज़ इसमें की हुई है, तब जाके जो हम लोगों ने इसमें अचीव किया है ऑडियो इफेक्ट, दैट इज़ पॉसिबल। इट टुक ऑलमोस्ट 2 to 3 days टू डू द एंटायर कार, राइट फ्रॉम द पिलर वर्क टू द ट्यूनिंग पार्ट एंड एवरीथिंग। एंड स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो, बिकॉज ये बहुत स्पेशल वीडियो है। वी आर गोइंग टू अनवील लॉट ऑफ थिंग्स कि ये गाड़ी क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है काम करने के लिए, एंड हाउ भंडारी कार सेल मेक्स इट वेरी सिंपल एंड द बेस्ट वे टू गेट देअर कार ऑडियो अपग्रेड फ्रॉम देम। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, इस गाड़ी में हम लोगों ने 14 स्पीकर सेटअप इंस्टॉल किया हुआ है, एंड द मेन थिंग इज फ्रंट पिलर भी एक्टिव किया है, दैट्स अ 3-way एक्टिव सेटअप। गाड़ी के अंदर देखेंगे कितना अमेजिंग वर्क किया हुआ है हम लोगों ने इस गाड़ी के अंदर, एंड द मेन थिंग इज साउंड इफेक्ट जो आ रहे हैं, दे आर फैंटास्टिक। एंड आई थिंक इतना बढ़िया आपने कोई इफेक्ट सुना नहीं रहेगा भी कोई भी गाड़ी में। एंड दिस इज द इंडियाज ओनली XUV 700 जिसमें ये पूरा सेटअप लगने जा रहा है, एंड दैट इज द बेस्ट पॉसिबल सेटअप अवेलेबल फॉर दिस कार। फ्रेंड्स, अभी टेक्निकल के बारे में बात करते हैं। आप अभी जो सेटअप देख रहे हो, दोनों भी पेयर्स हमने इंस्टॉल किए हैं, दैट इज फ्रॉम फोकल K2 पावर सीरीज के आते हैं, दैट इज KX3 मॉडल, दैट्स अ 3-way एक्टिव सेटअप जो हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। दोनों भी पेयर्स हम लोग वही सेम यूज़ कर रहे हैं। इसमें आता क्या है बॉक्स में, यू गेट अ पेयर ऑफ क्रॉसओवर, यू गेट अ पेयर ऑफ ट्वीटर्स, अ पेयर ऑफ मिड रेंज एंड अ पेयर ऑफ डोर स्पीकर एज वेल। सेम चीज़ रेप्लिकेट हुई है उधर भी, एंड द मेन पार्ट इज अबाउट दिस इज प्योरली मेड इन फ्रांस, जैसे कि आप देख सकते हो, एंड इट्स ऑल हैंडमेड। ये स्पीकर्स रेडी अवेलेबल नहीं होते हैं मार्केट में, दीज आर मेक टू ऑर्डर ओनली। ऑर्डर लेने के बाद इट रफली टेक्स अराउंड अ मंथ और टू टू गेट दी स्पीकर्स, तो ये स्पीकर्स बहुत स्पेशल है। एंड उतना ही स्पेशल हमारा एक और एक आइटम है, दैट इज द किंग ऑफ ऑल द प्रोसेसर्स, दैट इज ऑडिसन M12.14, दैट्स अ 12 चैनल एम्पलीफायर विद अ बिल्ट इन 14 चैनल DSP। इसके ऐसा बेहतरीन अभी तक मैंने प्रोडक्ट कोई देखा नहीं है लाइनअप में। एट द सेम टाइम इट्स अ प्रॉपर हाई रेजोल्यूशन सेटअप जो इसमें हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। हम लोगों ने इस प्रोसेसर को कम्प्लीटली यूटिलाइज किया हुआ है, 12 चैनल्स फॉर द एम्पलीफिकेशन एंड 14 चैनल्स फॉर द प्रोसेसिंग, सब कुछ यूज़ किया हुआ है। एंड दिस वन सिंगल बॉक्स कंटेन्स वन सिंगल प्रोडक्ट विच हैज़ अ 12 चैनल एम्प विद अ बिल्ट इन 14 चैनल DSP, एंड इट्स वन ऑफ द काइंड। एंड इसी प्रोडक्ट के अंदर हम लोग RTA भी कर सकते हैं, विच इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी। उसके बाद में जो ट्यूनिंग होता है एंड द प्रिसिशन दैट वी गेट इन द ऑडियो, इट्स फैंटास्टिक। लेट्स गेट इनसाइड द कार, लेट अस अंडरस्टैंड हम लोगों ने कैसा पिलर वर्क किया हुआ है, प्लेसमेंट ऑफ ट्वीटर्स, मिड रेंज, सेंटर स्पीकर्स, डोर स्पीकर्स, हर एक चीज़ बहुत यूनिकली की है। एट द सेम टाइम जो वायरिंग हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक्स है, एवरीथिंग हैज़ बीन डन इन डिटेल, एंड दिस इज द मोस्ट प्रिसाइज जॉब दैट वी हैव एवर डन टिल नाउ। लेट मी शो इट टू यू इन डिटेल इनसाइड द कार। फ्रेंड्स, क्या आप लोग एक्साइटेड है ये देखने के लिए हम लोगों ने कैसा काम किया है इस गाड़ी के अंदर। हैव अ लुक एट द ए पिलर, द वे द वर्क हैज़ बीन डन। ट्वीटर्स का इंस्टॉलेशन यहाँ पे हुआ है, मिड रेंजेस, एंड द बेस्ट पार्ट इज ट्वीटर कहीं से भी लूज नहीं है, इट इज़ फिक्स्ड परफेक्टली लाइक द OEMs, एंड इट लुक्स सो अमेजिंग एज वेल।
एंड टू एडेड टू इट वी हैव एडेड सम लाइट्स ऑल्सो इन साइड द पिलर, जैसे कि आप देख सकते हो. मैं इसके नाइट टाइम का शॉर्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वीडियो के एंड में. नो लेट मी गेट टू द इंस्टॉलेशन पार्ट. हम लोगों ने इसमें कैसा कैसा कौन सा स्पीकर कहाँ पे इंस्टॉल किया है. लेट मी टेल यू, जो फैक्ट्री से स्पीकर्स आते हैं दैट इज फ्रॉम द ओईएम्स दैट इज कमिंग ऑन द टॉप्स. जैसे कि आप देख सकते हो इधर सब जगह पे सराउंड स्पीकर्स दिए हुए हैं. फ्रंट टू सराउंड स्पीकर्स है, रियर टू सराउंड स्पीकर्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो पीछे वहां पे है. हम लोगों ने ये स्पीकर्स यूटिलाइज नहीं किए हैं, कैन यू बिलीव इट. बिकॉज हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव मेड अ कस्टम पिलर. देयर इज अ रीजन फॉर डूइंग दिस, आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल. ट्वीटर्स प्लेसमेंट, मिड रेंज प्लेसमेंट, कोई भी ऑडियो में स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. इट्स नॉट लाइक कि आपको सराउंड स्पीकर्स गाड़ी के अंदर वो इफेक्ट दे पाएंगे. इट इज अबाउट द सेंटर स्टेजिंग जो गाड़ी के अंदर होना चाहिए. यू शुड फील दैट द वॉइस इज कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर, द साउंड शुड फील वो मोर प्लेजेंट. टॉप स्पीकर्स आर नॉट रियली मेड फॉर द कार्स, दैट इज वॉट आई फील एंड दैट इज वॉट इवन द कस्टमर फेल्ट, कि मेरे को ये मजा नहीं आ रहा है इधर से आवाज़ जो आ रहा है. वी वॉन्ट समथिंग डिफरेंट. तो हम लोगों ने इसमें किया क्या है, वी हैव इंस्टॉल टू सेंटर स्पीकर्स इन साइड द कार. जस्ट हैव अ लुक एट द ग्रिल. इस एग्जिस्टिंग ग्रिल के अंदर वी हैव इंस्टॉल टू स्पीकर्स, दैट इज टू मिड रेंजेस ऑफ फोकल KX3. टू ट्वीटर्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन द पिलर, फ्रंट लेफ्ट एंड राइट. टू मिड रेंजेस इन द पिलर ए अगेन. एंड टू मिड बस ड्राइवर्स, दैट इज द डोर स्पीकर्स, वो डोर के ओरिजिनल प्लेस में ही इंस्टॉल्ड है. जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ दोनों जगह पे स्पेस दिया हुआ है. एंड यू कैन सी द येलो केवलर कोन एज वेल ऑफ द KX3 स्पीकर. सेम थिंग हैज बीन रेप्लिकेटेड इन द रियर एज वेल. रियर में वी हैव इंस्टॉल्ड अ पेयर ऑफ ट्वीटर्स एंड अ पेयर ऑफ डोर स्पीकर्स, क्योंकि उसके जो मिड रेंज स्पीकर्स है वो हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं फॉर द सेंटर. तो ये अपने जो फ्रंट में है, देयर ऑलमोस्ट 6-8 स्पीकर्स इन द फ्रंट, 4 स्पीकर्स इन द रियर, एंड देर आर 2 स्पीकर्स इन द बैक, दैट इज योर 2 सबवूफर्स. ये पूरा सेटअप हम लोगों ने ऐसा इंस्टॉल किया हुआ है इस गाड़ी के अंदर. हमने 2 वूफर इंस्टॉल किए हैं इधर, जैसे आप देख सकते हो कस्टम बॉक्स बनाया है हम लोगों ने इसे वूफर इंस्टॉल करने के लिए. जस्ट हैव अ लुक कितना क्लीन इंस्टॉलेशन है. एंड ये कंप्लीट प्लग एंड प्ले है, जब भी अगर इसको उतारना है उतार भी सकते हैं. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अबाउट द XUV700 टॉप एंड वेरियंट. इस गाड़ी के अंदर बाई डिफॉल्ट सोनी का एक बिल्ट इन एम्पलीफायर विद DSP आता है, जो कंपनी ने ट्यून करके दिया है टू एक्टिवेट द सराउंड स्पीकर्स, टू एक्टिवेट द ट्वीटर्स, डोर स्पीकर्स एंड एवरीथिंग. सो इसमें काफी सारे मोड्स है, 3D सराउंड है, इमर्सिव 3D है, लॉट्स ऑफ मोड्स आर देयर इन द OEM हेड यूनिट. तो हम लोगों ने उसको बाईपास करके हमारा खुद का DSP विद द एम्पलीफायर इंस्टॉल किया है. बिकॉज विद द बिल्ट इन DSP और द एम्पलीफायर यू कैन नॉट ड्राइव द आफ्टर मार्केट स्पीकर्स, क्योंकि अपने स्पीकर्स की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. तो अभी इस गाड़ी में काफ़ी सारे चैलेंजेस है जो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, बहुत सिंपली सॉल्व किए हुए हैं. तो ये चैलेंजेस क्या है एग्जैक्टली, सो एवरी कार हैज़ गॉट सम इनपुट्स टू टेक इट इन द एम्पलीफायर एंड देन द एम्पलीफायर प्रोड्यूसेस द आउटपुट्स. तो इनपुट्स जो आते हैं, इनपुट इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा इनपुट्स है. टू मेक इट सिंपल, आपको अगर जितना पावर चाहिए है, अगर उतना पावर नहीं फीड होता रहेगा तो आपके स्पीकर्स परफॉर्म नहीं कर पाएंगे इन द सिंपल वर्ड्स. तो हम लोगों ने उसको प्रैक्टिकली सॉल्व किया हुआ है. ट्यूनिंग हैज बीन डन इन द बेस्ट पॉसिबल वे. कस्टमर वॉज देयर विथ अस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ही वॉज देयर, ही वॉज सीइंग ऑल द थिंग्स कि हम लोग कैसा कर रहे हैं. वी हैव गॉट द माइक्स फॉर RTA ट्यूनिंग एंड ऑल दोज थिंग्स. RTA करने के बाद क्या डिफरेंस आता है, यू कैन लिसन टू इट. एंड द मेन पार्ट इज RTA क्यों किया जाता है, बिकॉज रियल टाइम एनालाइजर इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा ट्वीटर कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन सी इनपुट्स वीक है, मेरे को स्ट्रॉन्ग करना है, वो इनपुट्स हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. आउटपुट्स कोई परफॉर्म नहीं करता होगा या फिर कोई आउटपुट एक्स्ट्रा कैच करता होगा कोई कहीं से आवाज़, तो हर चीज़ उसमें अपन ट्रैक कर सकते हैं. यू कैन सी द पोलैरिटी एंड एवरीथिंग इनसाइड द सेम प्रोसेसर ऑल्सो, एंड दैट इज हाउ वी हैव डन दिस ट्यूनिंग इन द कार. नाउ लेट अस लिसन टू सम म्यूजिक, लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस है. आपने मेरे इतने सारे वीडियोस देखे हैं पहले वाले भी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इसमें क्या डिफरेंस मालूम पड़ा है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट प्रोफेशनली ट्यून्ड कार इन इंडिया अवेलेबल राइट नाउ, XUV700 दैट वी हैव डन. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका क्या थिंकिंग है इस कार के बारे में. कस्टमर ने हमारे साथ एक उनका प्लेलिस्ट शेयर किया था कि वो कौन से टाइप के सॉन्ग सुनते हैं, कौन से टाइप का उनको साउंड इफेक्ट चाहिए गाड़ी के अंदर. एंड उतना ही नहीं, वो तो मुझे घर लेके गए थे उनका पूरा होम ऑडियो सेटअप दिखाने के लिए कि वो क्या टाइप का म्यूजिक सुन रहे हैं एंड व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कार इटसेल्फ. एंड वो हम लोगों ने ये कंप्लीट गाड़ी में किया हुआ है. एंड लेट अस लिसन टू हिज फेवरेट सॉन्ग फर्स्ट एंड देन वी गो अहेड.
Now let us listen to some detailed music, जिसमें थोड़ा separation वगैरह मालूम पड़ेगा कैसा गाड़ी के अंदर आ रहा है. सो फ्रेंड्स, कैसे लगा है कंप्लीट आउटपुट, कंप्लीट सेटअप जो हम लोगों ने इस गाड़ी में इंस्टॉल किया है. एंड आई एम 100% श्योर जो मैं गाड़ी में आज सुन पा रहा हूँ इधर, वो शायद आप सुन नहीं पाओगे यूट्यूब पे, बट दिस कार इज साउंडिंग फैंटास्टिक एंड सुपर. मतलब कोई, देर इज नो अदर वर्ड टू डिस्क्राइब द साउंड इफेक्ट्स इनसाइड द कार. मेन थिंग इज, जिन लोगों के पास XUV700s है, फॉर्चुनर्स है, इनोवा क्रिस्टाज है, और जो परेशान है कि मेरे गाड़ी में ऑडियो अपग्रेड अच्छा से नहीं हो पा रहा है, कॉन्टैक्ट अस बिकॉज वी हैव द राइट सॉल्यूशन फॉर यू गाइस. बिकॉज हम लोगों ने अभी इतनी सारी गाड़ियों पे काम किया है इन द प्रीमियम SUV सेगमेंट्स, जिसमें हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया है कि क्या टाइप का साउंड एंड एक्सपेक्टेड होता है ये सब कार्स में.
एंड वी हैव फाइनली डिलीवर्ड दिस कार टू द कस्टमर एज वेल एंड ही इज वेरी वेरी हैप्पी विद द साउंड इफेक्ट्स जो इसमें डिलीवर हुए हैं एंड ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना अच्छा साउंड इफेक्ट गाड़ी के अंदर भी पॉसिबल है बिकॉज गाड़ी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो ओवरकम नहीं कर पाते हैं जो हम लोग होम ऑडियो में इजिली कर सकते हैं बिकॉज होम ऑडियो में प्रॉपर रूम आपको खुद से सेटअप कर सकते हो बट यू कैन नॉट बिल्ड योर ओन कार अकॉर्डिंग टू योर ऑडियो रिक्वायरमेंट्स बट वी आर देयर टू गिव यू द राइट सॉल्यूशंस फॉर योर ऑडियो रिक्वायरमेंट्स एंड वी हैव सक्सेसफुली डन दिस इन दिस कार एंड दिस इज लाइक अ प्रोजेक्ट फॉर अस तो कोई भी प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट होना है देन देर आर लॉट्स ऑफ चेक पॉइंट्स देर लॉट ऑफ वर्क दैट हैज टू बी डन देर इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट हैज टू बी डन एंड वो हम लोगों ने इस गाड़ी में कंप्लीट किया है हम सिर्फ ये गाड़ी में नहीं बट हर एक गाड़ी में करते ही है बट स्टिल वेन एवर यू हैव अ हाई एंड रिक्वायरमेंट हाई एंड ऑडियो रिक्वायरमेंट वी आर ऑलवेज देयर टू गिव यू द बेस्ट ऑप्शंस एंड बेस्ट पॉसिबल इंस्टॉलेशंस विद द राइट ट्यूनिंग बिकॉज एक ही चीज नहीं होती है सिर्फ प्राइस नहीं होती है हाई एंड ऑडियो में इट्स अबाउट द एंटायर डिलीवरी पार्ट जो हम लोग उसमें एक्सपर्ट है एंड वी हैव गिवन द राइट सॉल्यूशन टू द कस्टमर एज वेल और एक मेन बात ऐसी है कि कस्टमर्स हमारे पास तो इतने दूर दूर से आ रहे हैं बट डू यू नो द रीजन क्यों वो कस्टमर्स आ रहे हैं हमारे पास इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट एंड द एक्सपीरियंसेस दैट द कस्टमर्स हैव हैड इन द प्रीवियस केसेस अभी कैसा होता है आप कोई भी अगर हाई एंड अपग्रेड करना है या फिर नॉर्मल अपग्रेड भी करना है द वे ऑफ इंस्टॉलेशन इज ऑलवेज डिफरेंट विद पीपल हम लोग एक प्रॉपर स्टैंडर्ड चीज़ें फॉलो करते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे वायरिंग किट्स हो गए डैम्पिंग हो गई एवरीथिंग इज फॉलोड इन द राइट मैनर तब जाके ऐसे सेटअप्स बन सकते हैं इतने इजीली पॉसिबल हो जाते हैं बट देर इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड दिस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ट्रस्ट दैट द कस्टमर शोज इन अस एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू ऑल फ्रेंड्स कस्टमर की ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि मेरे को ये गाड़ी में जो भी करना है सबसे बेस्ट करना है तो उन्होंने पेंट जॉब भी जो करवाया है दैट इज वन ऑफ इट्स काइंड ब्लैक विद द रेड कॉम्बिनेशन बहुत प्रीमियम काम किया है Now we have added one accessory that is first in India जिससे गाड़ी का जो इफेक्ट है गाड़ी का जो एक लुक है प्रोफाइल है दैट चेंजेज ऑल टुगेदर एक गाड़ी का जो फील होता है गाड़ी के अंदर बाहर आने का जाने का दैट इज चेंज ऑल टुगेदर लेट मी शो इट टू यू हम लोगों ने इसमें क्या इंस्टॉल किया है वी हैव इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिक साइड फुटरेस्ट जैसे कि आप देख सकते हो डोर मैंने ओपन किया है एंड द फुटरेस्ट इज वेलकमिंग मी इन साइड द मोमेंट आई क्लोज द डोर ऑटोमेटिकली फुटरेस्ट भी बंद हो जाएगा और कोई भी गैप्स किधर आपको दिखेंगे नहीं इट्स फिट परफेक्टली ईजी एंट्री एग्जिट हो जाती है द मोमेंट यू हैव ऑटोमेटिक साइड फुटरेस्ट एंड एज यू कैन सी इस पर कोई भी वेट ले सकता है एंड द बेस्ट पार्ट इज कोई भी गैप नहीं रहेगा इट विल फिट परफेक्टली एंड द बेस्ट पार्ट इज इससे कोई ग्राउंड क्लियरेंस में अफेक्ट नहीं होता है एंड द मोमेंट आई ओपन द डोर इट इज गोइंग टू कम आउट अगेन एंड इट मेक्स माई एग्जिट सो ईजी And these kind of features come only in the premium segment cars. But हम लोगों ने ये अचीव किया है in a mid-segment car as well. I will not say this is a mid-segment car, but this is one of its kind car. And it's a fantastic product that we have installed. इसमें कोई भी warranty का loss नहीं होगा because it's complete coupler-to-coupler installation. Directly OBD port में install होता है. And the main thing is कोई भी ground clearance भी affect नहीं होगा. And it carries a warranty of 1 year as well. So anything goes wrong, we are always there to give a proper support to you. Thank you so much and stay tuned for the next video upgrades.